सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में गाइस कंपैरिजन करने वाले हम दोनों डिवाइसेस के बीच में, रेडमी नोट 8 प्रो वर्सेस रेडमी नोट 10s, ठीक है। एंड दोनों में से कौन सा ही बेस्ट होने वाला है 2022 के अंदर में, तो यही कंपैरिजन देखने वाले हैं। एंड ये कंपैरिजन गाइस आप सबके डिमांड पे होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बंदों ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई कंपैरिजन वीडियो लाओ रेडमी नोट 10s वर्सेस रेडमी नोट 8 प्रो। एंड काफ़ी सारे बंदे पूछ रहे थे कि मेरे को कौन सा डिवाइस बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि रेडमी नोट 8 प्रो पुराना हो चुका है, 2019 का डिवाइस है, ठीक है। एंड अभी के टाइम पे लेना इसको वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा, यही देखना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पहले हम ना कंपैरिजन करने वाले दोनों डिवाइसेस के डिस्प्ले की, ठीक है। एंड प्राइसिंग की बात करें तो गाइस वो मैं आपको बाद में वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस बात करें डिस्प्ले की, तो रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर जो डिस्प्ले आती है वो आती है आपकी IPS LCD, 6.53 इंचेस की एक IPS LCD मिलती है, ठीक है। तो गाइस IPS LCD है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम क्वालिटी ख़राब है। एंड बात करें इसकी पीक ब्राइटनेस की, तो 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है इसके अंदर, जो कि गाइस डिसेंट क्वालिटी का है। अगर आप आउटडोर यूजिंग वगैरह करने वाले हो उस डिवाइस को आउटडोर में, अगर मान लो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है डिस्प्ले के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाला है आपको यूज़ करने में। हाथ वात रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है इसके अंदर, ठीक है। तो बात करें इसके हर्ट्स के रिफ्रेश रेट की, तो इसके अंदर गाइज आपको मिलता है 60 हर्ट्स का रिफ्रेश रेट, जो कि गाइज एकदम मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि गाइज देखो उस टाइम के फ़ोन है, ठीक है, उस टाइम मतलब 2019-20 के डिवाइस में आपको 60 FPS ही मिलता था, 60 हर्ट्स ही, तो उस हिसाब से ठीक है। एंड प्राइस रेंज के हिसाब से भी ठीक है। तो बात करें अभी Redmi Note 10s के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको गाइस मिलता है AMOLED पैनल, ठीक है, 6.43 इंचेस का AMOLED पैनल। तो डिस्प्ले के मामले में एक प्लस पॉइंट आपको Redmi Note 10s के अंदर मिलता है। एंड गाइस बात करें इसके ब्राइटनेस के, तो 1100 निट्स की ब्राइटनेस है, तो मतलब आपको आउटडोर यूजिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम तगड़े डिस्प्ले मिलती है आपको Redmi Note 10s के अंदर, ठीक है। एंड रिफ्रेश रेट की बात करो तो 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है इसके अंदर, तो ठीक ठाक डिस्प्ले है। एंड गाइस देखो दोनों के डिस्प्ले में से जो ज़्यादा बढ़िया डिस्प्ले आती है वो आती है आपकी Redmi Note 10s की डिस्प्ले, आपको ज़्यादा बेटर मिलती है, ठीक है। प्राइस रेंज के हिसाब से बात करें तो गाइस इस प्राइस रेंज में AMOLED डिस्प्ले बहुत रेयर ही मिलता है। तो बात करें अभी इसके प्रोसेसर की, तो गाइस प्रोसेसर की बात करें तो दोनों के अंदर आपको MediaTek का प्रोसेसर मिलता है। Redmi Note 8 Pro में G90T मिलता है। एंड बात करें गाइस Redmi Note 10s की, तो Redmi Note 10s के अंदर आपको G95 मिलता है। तो दोनों प्रोसेसर में क्या डिफरेंस होने वाला है तो बताता हूँ मैं आपको। तो देखो गाइस दोनों प्रोसेसर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि थोड़ा नेटवर्क वेटवर्क में चेंज है बस। एंड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो गाइस परफॉर्मेंस में दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों ही प्रोसेसर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं गेमिंग के अंदर, चेक कुछ भी कर लो, मतलब मल्टीटास्किंग वगैरह सबके अंदर काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देते हैं। एंड MediaTek के गाइज यही प्रोसेसर है जो कि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब उसमें थे, पॉपुलर थे, ठीक है। एंड काफ़ी ख़तरनाक परफॉर्मेंस होती है इनकी गेमिंग के अंदर, इसलिए ये ज़्यादा इतने पॉपुलर थे, ठीक है। तो 12 NM पे बेस्ड है, तो गाइज बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, ऑब्वियस सी बात है। तो थोड़ा सा गाइज देखो बैटरी भी आपको अच्छे खासी मिलती है आपको Redmi Note 10s के अंदर। तो उससे पहले गाइज बात कर लेते हैं इन दोनों के अंदर क्या कैमरे आते हैं, ठीक है, कैमरे के अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस है दोनों डिवाइस के अंदर। तो गाइज देखो वैसे तो कैमरा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कैमरा क्या है। एक गेमर के लिए गाइज कैमरा मैटर नहीं करता, सिंपल सी बात है, बट मैं आपको बता देता हूँ। दोनों के अंदर आपको बैक साइड में 64 MP का कैमरा मिलता है, ठीक है। एंड आप 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो बैक साइड के कैमरे से, एंड 1080 पिक्सल पे आप 60 FPS की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो दोनों के अंदर आपको कैमरा बैक साइड में सेम मिलता है, बस आपको Redmi Note 8 Pro के अंदर सेल्फी कैमरा मिलता है 28 MP का, एंड Redmi Note 10s के अंदर आपको मिलता है 13 MP का। तो दोनों ही गाइज आपकी रिकॉर्डिंग की बात करो तो 1080p पे 30 FPS के अंदर दोनों के अंदर ही आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी का कैमरा आप कह सकते हो, ठीक है। बात करें इसके अंदर की बैटरी की, तो गाइज देखो बैटरी में तो गाइज Redmi Note 10s साफ साफ जीतता है, क्योंकि Redmi Note 8 Pro के अंदर आपको मिलता है 4500 mAh की बैटरी, ठीक है, विद 18 W का चार्जर। एंड उल्टे साइड बात करें गाइज की Redmi Note 10s के अंदर आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी विद 33 W का चार्जर। तो यहाँ पे तो गाइस सिंपल सी बात है कि Redmi Note 10s जीत गया, क्योंकि गाइस देखो बैटरी भी काफ़ी अच्छी है, डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छी है। एंड ओवरऑल बताऊँ बैकअप की, तो आपको Redmi Note 10s के अंदर बैकअप मिल जाएगा कम से कम नहीं भी कुछ तो 5 घंटे का। तो गाइस ये तो बात हो गई स्पेसिफिकेशंस की, ठीक है। एंड अब बात करते हैं ओवरऑल कौन सा डिवाइस आपको डे टू डे लाइफ यूसेज में गेमिंग में कौन सा अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकाल के देगा।
तो स्पेसिफिकेशंस के आधार पर देखा जाए तो गाइज रेडमी नोट 10s कहीं ज़्यादा आगे निकल जाता है, एंड रियलिटी भी यही है, क्योंकि गाइज देखो रेडमी नोट 8 प्रो 3 साल पुराना डिवाइस है एंड उसको उस हिसाब से देख के बनाया। हाँ मैं मानता हूँ परफॉर्मेंस के मामले में अभी भी टॉप नॉच परफॉर्मेंस रेडमी नोट 8 प्रो निकाल के देता है, बट अगर अभी बात करें कि कौन सा डिवाइस लेना चाहिए तो आपको रेडमी नोट 10s मैं सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि गाइज आपको एमोलेड पैनल मिल जाता है इसके अंदर, G95 का प्रोसेसर, मतलब थोड़ा सा अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है आपको नोट 8 प्रो के मुकाबले नोट 10s में, ठीक है। बैटरी भी अच्छी मिल जाती है, तो ज़्यादा देखो नंबर्स की बात करूँ तो गाइस Redmi Note 10s को काफ़ी नंबर्स मिले, तो इससे अच्छा तो मैं तो सिंपल सी बात बताऊंगा कि गाइस Redmi Note 10s लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड गाइस बात करें तो काफ़ी सारे बंदे ये मतलब पूछते हैं वैसे कि मैं सेकेंड हैंड Redmi Note 8 Pro ले रहा हूँ, तो गाइस देखो आराम से ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 8GB वाले वेरियंट अगर आप 7-8 हज़ार में ले रहे हो Redmi Note 8 Pro का, ठीक है, जैसे कि मान लो 2 साल पुराना है, तो उस हिसाब से गाइस काफ़ी अच्छी डील है, ठीक है। एंड मान के चलो अगर अभी 1-1.5 साल पुराना, मतलब 1 साल पुराना Redmi Note 8 Pro है, 8GB वाला वेरिएंट है, तो 9-10 से ऊपर गाइस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 से ऊपर आप दोगे तो इससे अच्छा बेटर है कि आप Redmi Note 10s ले लो, 13-14K के अंदर मिल जाएगा आपको इजीली, ठीक है। तो ये तो गए गाइस देखो ओवरऑल मेरा जो ओपिनियन था, एंड आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। तो उस हिसाब से गाइस मैं भी देखूंगा कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है आप लोगों का, ठीक है। तो गाइस खैर यही थी आज की कुछ वीडियो, एंड ये स्पेसिफिकेशंस आपको कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।